हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 28 का बी बुक फॉलो करें। आरएस लेवल टॉपिक है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। चलो लेट मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, इसका हम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करो, y के साथ इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर दो। क्या कर दो? स्मॉल इंक्रीमेंट। तो इसमें यहां लिखेंगे स्मॉल इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डेल y एंड डेल x। इसको क्या बोलते हैं? डेल y। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल x इन x एंड y। मतलब क्या हो गया, x में छोटा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। कौन सा इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट 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 डेल वाई एंड डेल एक्स। डेल वाई डेल एक्स क्या है, जैसे देखो यहाँ मान लो ये वाला बहुत सारा पार्ट है, ये क्या है एक्स है, इसका छोटा सा पार्ट है, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स। मतलब एक्स का छोटा स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा? डेल एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। या नहीं तो आप कोई कोई बुक में डेल्टा एक्स ऐसे भी डिनोट करता है, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पर डेल एक्स से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल इंक्रीमेंट है तो वाई में क्या ऐड कर देंगे? डेल वाई। और यहाँ एफ एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां डेल एक्स। इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या है, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा वाई प्लस डेल वाई और माइनस वाई। इधर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। ये वाई प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचा डेल वाई। यहाँ हो जाएगा कितना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद स्टेप होता है टेकन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड। मतलब क्या किया हमने, दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लगाएंगे और डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। चलो यहां देखो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई है, डिवाइड क्या किससे दे रहे हैं, डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो भी लगा रहे हैं और डेल वाई से डिवाइड भी दे रहे हैं, डेल एक्स से डिवाइड भी दे रहे हैं। बराबर इधर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। जिसे ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये जो पूरा है ये पूरा मिलकर के हो जाता है dy अपॉन dx। क्या हो जाता है ये dy अपॉन dx। इधर ये रहा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स इंटू अपॉन dx, ठीक है ना। फाइनल यही होगा। अब इधर क्या होगा, जैसा फंक्शन आएगा वैसा आपके पास आंसर आएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, सब मिलकर के dy अपॉन dx। ये जो प्रोसेस है ना कि y बराबर कोई फंक्शन रहेगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, y के साथ डेल y जोड़ दो, x के साथ डेल x जोड़ देंगे। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, माइनस करके बाद इतना आया। अब दोनों तरफ लिमिट डेल x टेंस टू जीरो लगाएंगे या डेल x से दोनों तरफ से डिवाइड देंगे, डिवाइड दे दिए, ये पूरा को क्या लिखेंगे dy अपॉन dx। इधर ये वाला क्या होगा, जो जैसा फंक्शन आएगा वैसा आपके पास आंसर हो जाएगा। ये सारा जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन करने का ये तरीका हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर बच्चों। फर्स्ट नंबर है y बराबर कितना ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना। तो इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो सबसे पहले बात, जो क्वेश्चन है उसको y मान लीजिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहां लिख दीजिए क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डेल एक्स एंड क्या डेल वाई, ठीक है ना, इन एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे, y में सिंपली डेल y ऐड कर देंगे और जहां x है वहां फिर हम डेल x ऐड कर देंगे। तो a इन टू एक्स है तो x अब प्लस डेल x ब्रैकेट बंद, b में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ ना x है और ना ही y है, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब आ जाओ इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, इसमें से इसको घटाओ तो y प्लस डेल y माइनस y दिस वन और माइनस दिस वन। तो a इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी और माइनस कितना हो जाएगा इधर से ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट वन, दिस वन कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा डेल वाई।
मल्टीप्लाई करो ए एक्स प्लस, इधर से कितना हो जाएगा ए डेल एक्स प्लस बी माइनस एक्स और माइनस बी, देखो ना ब्रैकेट रहेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये और ये कट गया। अब डेल वाई इज कॉस्ट टू, इधर क्या बचा ए इंटू डेल एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, टेकन क्या लिखते हैं बोलो, टेकन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लगाने पर और डेल एक्स से डिवाइड करने पर, तो इधर से कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई अपॉन कितना, इधर से डेल एक्स, यहां भी हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लगाएंगे, यहाँ ए डेल एक्स है और डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, ये तो कट गया और ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा, हो जाता है ये हो जाता है क्या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इधर बचा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ सिर्फ बचा ए, एक्स तो है नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, तो बराबर में क्या बचेगा सिर्फ ए, यही आंसर होगा। ऐसे भी आप लोग इसका प्रोसेस जानते हैं, डिफरेंशिएशन करने का क्या पढ़ा है, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा एक्स का वन बी का जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा ए इंटू वन, ए आंसर रहेगा, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, ये सब इसको हमने नहीं मिटाया रब नहीं किया, ये आपका क्या एक फॉर्म मतलब क्या हो गया, एक आपका परफॉर्मा तैयार हो गया ना, बस ये सब में करना है। अब सब में लाइन लिखना है, यहाँ लिखेंगे कितना वाई प्लस डेल वाई और जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या डेल एक्स, ए इंटू कितना एक्स प्लस डेल एक्स, देखो इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और यहाँ देखो बी वाई क्या है एक्स है तो एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, ये रहा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इक्वेशन टू में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो टू क्या है आपके पास वाई प्लस डेल वाई और माइनस वाई, दिस वन माइनस दिस वन करोगे तो ए तो ठीक है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पर क्या टू ए बी तो टू एक्स आई इन टू डेल एक्स, ठीक है ना, और प्लस कितना इधर से बी बाई एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ सही है, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा इसको करोगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी वाई एक्स, राइट, ये वाला कैंसिल आउट, तो डेल वाई बराबर कितना इधर ये से मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू कितना डेल एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो टू ए एक्स इंटू डेल एक्स प्लस बी बाई, एक काम करो बी यहाँ है बी यहाँ है कॉमन ले लो, तो यहाँ बचे कितना वन बट्टा एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस वन बाई एक्स, ये वाला माइनस ए एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, प्लस माइनस ये कट गया, तो डेल वाई बराबर क्या बचा ए इंटू कितना डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू डेल एक्स प्लस बी, यहाँ सही है यहाँ एलसीएम लोगे एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कितना एक्स, तो ये वाला कट गया तो एक्स माइनस इधर से जाएगा तो एक्स और माइनस डेल एक्स हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट प्लस माइनस। अब यहाँ डेल वाई बराबर क्या बचा ए इंटू कितना डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू डेल एक्स प्लस, यहाँ देखो प्लस यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस बी इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ई वाले एक्स को पहले इसको बाद में लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, टेकन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय क्या डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लगाएंगे और डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, राइट, तो इधर हो जाएगा रब करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, आ जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा डेल वाई है तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स करेंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और यहाँ कितना ए एक्स ए इस वाले टर्म में है ए इंटू कितना डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस इधर से कितना है टू ए एक्स इंटू डेल एक्स और माइनस कितना इधर से माइनस बी इंटू डेल एक्स और अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, राइट, सब में क्या किसे डिवाइड करेंगे डेल एक्स से, ठीक है, ये पूरा टर्म मिलके कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ क्या रहा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो,
यहाँ देखो डेल एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, कॉमन ले लो, डेल एक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा ए इंटू कितना डेल एक्स प्लस, इधर से डेल एक्स तो बाहर, तो टू ए एक्स माइनस इधर से कितना हो जाएगा बी, डेल एक्स तो बाहर हो गया, अपॉन कितना एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और अपॉन कितना नीचे में डेल एक्स, ये डेल एक्स कट गया। जब डेल एक्स कट जाए ना नीचे वाला, तब क्या करना, जहां जहां भी डेल एक्स अगर बच जाएगा तो वहां वहां लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है, तो डेल एक्स की जगह पर आप जीरो पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए इंटू जीरो प्लस कितना, यहाँ तो टू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस कितना जीरो, ए इंटू जीरो तो खत्म, यहाँ हो जाएगा टू एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, y बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब देखो यहाँ हम नहीं लिखेंगे लिमिट इन स्मॉल इंक्रीमेंट डेल एक्स एंड डेल वाई, ठीक है ना, ये आपको खुद लिखना है, लिख लोगे तो y में क्या ऐड करते हैं डेल वाई, और जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या ऐड कर देंगे डेल एक्स, तो थ्री इंटू कितना एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस डेल एक्स लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ टू एक्स है तो टू इंटू कितना एक्स प्लस डेल एक्स, ये फाइव में एक्स नहीं है तो इसको जैसे इसको वैसे ही उतार दो, ये रहा सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वाई प्लस डेल वाई और माइनस वाई, ठीक है ना, इसमें से इसको उलटाना है ना, तो यहाँ हो जाएगा थ्री इंटू, देखो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स इंटू डेल एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इधर से टू एक्स प्लस टू डेल एक्स और माइनस फाइव, और माइनस इसको करोगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। यहाँ देखो ये वाला ये भी कट गया, तो डेल वाई बराबर कितना, ये थ्री से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस तीन गुना कितना हो जाएगा सिक्स एक्स इंटू डेल एक्स प्लस इधर से एक मिनट प्लस माइनस टू एक्स, ये भी कट गया, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा टू इंटू डेल एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये वाला ये भी गया कट, ठीक है ना। तो क्या बचा आपके पास, डेल वाई बराबर थ्री इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इंटू डेल एक्स प्लस टू डेल एक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लगाएंगे, तो लगाओ यहाँ लिख लेना टेकन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ भी हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा थ्री डेल एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इंटू डेल एक्स प्लस टू डेल एक्स डिवाइडिंग बाई क्या डेल एक्स, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा पूरा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ तो स्क्वायर है तो कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा थ्री इंटू डेल एक्स प्लस सिक्स एक्स और प्लस इधर से टू, और नीचे में कितना हो जाएगा डेल एक्स, ये वाला कट गया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ वहाँ जीरो, तो यहाँ हो जाएगा कितना थ्री इंटू जीरो, यहाँ तो नहीं है डेल एक्स तो सिक्स एक्स, यहाँ तो है ही नहीं तो ये टू एक्स, तो फाइनली कितना सिक्स एक्स प्लस टू, कितना आंसर हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस टू, यही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। अब चलो इसको चेक करो सही है कि नहीं, आ जाओ आ जाओ देखते हैं, y बराबर कितना दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है ना। डायरेक्ट वाला मेथड से क्या था, इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, डी एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या डी एक्स करते थे, टू कॉन्स्टेंट है बाहर, डी एक्स बट्टा में कितना डी एक्स माइनस कितना इसमें फाइव है, एक्स नहीं है तो डी फाइव बट्टा डी एक्स लिख देंगे। चलो यहाँ थ्री है, एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन टू एक्स, यहाँ टू एक्स प्लस टू डी एक्स बट्टा डी एक्स कितना होता है वन, फाइव में क्या है कुछ भी नहीं है कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस टू, यही रहा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये दोनों सेम है, सेम समझ गया, मतलब क्या कि अगर सिर्फ अगर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या अगले वाले एक्सरसाइज में सी और डी और ई में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो इसको ऐसे कर देना है सिर्फ डिफरेंस पूछेगा, अगर पूछेगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तो भी समझो वो तुम्हारा टाइम ले रहा है, ये पूरा प्रोसेस से बनाना पड़ेगा,
आंसर दोनों का सेम आएगा। क्लियर है? चलो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।